व्हाट्सअप गाइस कैसे आप सब लोग, स्वागत है और नई वीडियो में। तो वैसे आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ करके लो सेंसिटी का यूज़ करके क्लोज रेंज को कैसे बेस्ट कर सकते हो। और गाइस ये मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने ये चीज़ कर लिया जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो उससे आपका क्लोज रेंज बहुत ही ज़्यादा सुधर जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ये फायर। तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है लो सेंसिटी वर्सेस हाई सेंसिटी, लेकिन उस वाली वीडियो में मैंने डिटेल में नहीं समझाया क्लोज रेंज को, उसमें मैंने सारे स्कोप के बारे में समझाया तो वो डिटेल में नहीं है। लेकिन आज की वीडियो डिटेल में होने वाली सिर्फ क्लोज रेंज की, वो भी लो सेंसिटी के ऊपर। तो गाइस फर्क क्या होता है, जैसे कि आप बोलोगे कि भाई यूज़ कहाँ होता है सेंसिटिविटी का क्लोज रेंज में, वो तो हिप फायर का गेम होता है। तो ऐसा नहीं होता है भाई लोग, क्लोज रेंज में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों। अगर जो आप देखोगे अपनी गन की सेंसिटिविटी पे, तो आप टीपीपी नो स्कोप पे जाओगे थर्ड पर्सन की, तो ये होती है जो क्लोज रेंज में काम आती है सेंसिटिविटी, यानी कि हिप फायर पर जो यूज़ होती है सेंसी वो ये होती है टीपीपी नो स्कोप की। तो यही सेंसी अगर जो आप हाई सेंसी यूज़ कर रहे हो यानी कि 400, तो आपको इतना पता ही होगा कि जितनी ज़्यादा आप हाई सेंसी यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब स्टेबल नहीं रहेगा आपका एम वगैरह। और जो अगर जो आप लो सेंसी यूज़ करोगे तो आप अच्छे से स्टेबल कर पाओगे। और मेरा मतलब ये नहीं कि आप एक सेंसिटिविटी फिर यूज़ करो, इसका मतलब ये नहीं है। आपको एक लो सेंसी यानी कि एक रेंज तक करो जहाँ कि आप अच्छी मूव भी कर पा रहे हो, वो होती है अच्छी सेंसिटिविटी, जो कि आपको कंफर्टेबल भी लगे, आप अच्छे से मूव कर पाओ लो सेंसी में। तो वो आपको सेट करनी होती है, कम ज़्यादा करके देखना पड़ता है कि मेरे डिवाइस के अकॉर्डिंग, मेरे मूवमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे सेट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से अपने अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 400 सेंसिटिविटी में दिक्कत क्या आती है। तो गाइस देखोगे जैसे आप 400 सेंसिटिविटी यूज़ करते हो टीपीपी की नो स्कोप थर्ड पर्सन की, तो आप देखोगे जब भी आप फायर करोगे तो आप जब भी स्प्रे ट्रांसफर करो यानी कि क्रॉसर से जैसे मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ राइट साइड से लेफ्ट साइड में, तो आप देखोगे कि अगर जो फर्स्ट वाली बॉडी है उसमें मैंने सेकंड बॉडी के लिए ट्रांसफर करा तो वो पार चला जा रहा है, उसके क्रॉस टारगेट पे सेट नहीं हो रहा है जिस टारगेट के लिए मैंने एम करा है, लेकिन उस टारगेट से वो आगे निकल जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि 400 सेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर भी होता है कि आप जायरोस्कोप की क्लोज रेंज में जिगल के टाइम आप मूवमेंट भी देते हो, तो वहाँ भी वो दिक्कत करता है। अगर 400 सेंसी आप यूज़ कर रहे हो तो जब भी आप मूव करोगे थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट और क्रॉसर को एडजस्ट करोगे जायरोस्कोप का यूज़ करके, तो ज़्यादा ही अनस्टेबल हो जाता है। और यहीं पे अगर आप लो सेंसी यूज़ करते हो तो आप देखोगे कि आप जो एम है जो आपको हिलेगा नहीं, यानी कि आपका एम स्टेबल रहेगा और आप अच्छे से एम कर पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जो सेंसिटिविटी मैंने लो कर दी है 304 कर दी है, और मैं खुद यूज़ करता हूँ 300 से लेकर 305 के बीच में मैं चेंज करता रहता हूँ, तो वो जो मुझे सही लगता है मैं कर लेता हूँ। तो आपको भी मैं यही बोलूँगा कि आप 300 से लेकर 305 तक स्टार्टिंग में आप 350 करो शुरू में, फिर आप थोड़ा सा खेलो एक दो टीडीएम खेलो, उसका जब आपको लगे कि हाँ तब सेट हो गया थोड़ा सा, तो फिर वापस कम करो आपके ट्रेनिंग ग्राउंड में। फिर 400 जो सेंसिटिविटी अपने 350 करी थी तो उसको 300 से लेकर 305 के बीच में आप उसको करो और देखो कि आपको क्या कौन सी सही लगती है इनमें पांचों में से। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी खुद की सेंसिटिविटी लो सेंसिटिविटी आप बना सकते हो अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग, अपने हैंड के अकॉर्डिंग, हैंड मूवमेंट के अकॉर्डिंग। एंड गाइज इसके बाद एक जायरोस्कोप की मूवमेंट भी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आप ये वाली वीडियो आप मेरी दे सकते हो। इसमें मैंने जायरोस्कोप की मूवमेंट के लिए बताया है मेनली, तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो भाई फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, पीस आउट एंड जय महाकाल।